महुआ के हरपुर बेलवा में मंगलवार को पुलिस और पब्लिक के झड़प में हुई पत्थरबाजी में महुआ अंचलाधिकारी अमर कुमार सिन्हा की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गौरतलब हो कि हरपुर बेलवा गांव में मंगलवार को एक अल्टो गाड़ी से एक बच्ची की मौत हो गई थी, जिसको लेकर लोगों ने जाम कर दिया था। जाम छुड़ाने गई पुलिस पर लोगों ने पथराव किया था। इस दौरान महुआ सीओ अमर कुमार सिन्हा की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। महुआ में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर पंचायत द्वारा गोला रोड और अम्बेडकर नगर में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू किया गया। महुआ नगर पंचायत के कर्मी गोला रोड के दुकानों, गलियों एवं अम्बेडकर नगर के घर घर में सैनिटाइजेशन का छिड़काव किया। इस दौरान नगर कर्मी लोगों से सोशल डिस्टेंस अपनाने और मास्क पहनने की भी अपील करते नजर आए। इस दौरान नगर पंचायत के कर्मी राजा धवन, सफाई पर्यवेक्षक सुनील रविदास ने बताया कि महुआ में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हम लोग सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं और लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस अपनाने की भी अपील कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण न फैले। महुआ बयां नदी में लगातार बढ़ रहे जल स्तर से लोगों को बाढ़ की आशंका से भय सता रही है। लोगों ने बताया कि महुआ बयां नदी का जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण बाढ़ का खतरा बन गया है। वहीं लोगों ने कहा कि महुआ बयां नदी के कई तटबंध बहुत ही खराब स्थिति में हैं। ऐसे में जब जल स्तर बहुत बढ़ जाएगा तो पानी गांव में भी घुसने की आशंका है। लोगों ने बयां नदी के तटबंधों का मुआयना कर उसे मरम्मत करने की मांग की है। सरकारी आदेश के बावजूद महुआ के डोगरा चौक पर साप्ताहिक हाट लगाया गया। इस हाट में सैकड़ों की संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे। एक तरफ जहां कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी ने साप्ताहिक हाट पर रोक लगा दिया गया है, वहीं आदेश को धत्ता बताते हुए डोगरा चौक पर हाट लगाया गया। वहीं प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। लोगों का कहना है कि इस प्रकार से हाट लगेगा तो लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है, ऐसे हाट में संक्रमण बढ़ने की आशंका है। महुआ नगर पंचायत के उपाध्यक्ष आशा सिंह के पुत्र ने CBSE के 12वीं परीक्षा में 90% अंक लाकर सफलता हासिल की है। इसके लिए उसके परिवार ने उसे मिठाई खिलाकर बधाई दी है। वहीं नगर पंचायत के अध्यक्ष कौशल्या देवी, वार्ड पार्षद अरुण कुमार सिंह, तौकीर सैफी, श्री भगवान चौधरी, सिराज आलम, इंद्रजीत कुमार और छोटे लाल, विजय कुमार आदि ने उनकी सफलता के लिए उनको बधाई दी है तथा आगे भी हमेशा सफल होने की कामना की है। इस दौरान उनके साथ उनके पिता मृत्युंजय सिंह भी उपस्थित थे।